प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर लगाकर NIOS, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तस्वीर, लोगों पर का तस्वीर ये, और हर बीमारी का इलाज राष्ट्रवाद, NRC 370, तलाक, बैकवर्ड फॉरवर्ड, गाय और हिंदू मुसलमान और आरक्षण नहीं होता है। नौजवान कहते हैं मेरी जिंदगी लौटा दो, और NIOS जो कंपनी है, प्रधानमंत्री जो बड़ा सबसे बड़ी संस्था है, जहां से हमारे भाई 2.5 लाख नहीं, पूरे देश में 15 लाख से ऊपर इसमें BEd, DEd सब करते हैं, और अब BEd वाले जब उसकी जो प्राइवेट BEd वाले बिहार सरकार, पहले भी हमने देखा SSC, UPSC, BPSC में ये कोचिंग वाले, बिहार में एक वैकेंसी 3 बार निकलती है, पैसे लूटने की सरकार की प्रक्रिया, करोड़ों बच्चों के घर से पैसे निकालना और फिर एग्जाम नहीं होना, और अभी तक 15-30 सालों में संविदा और नियोजित को छोड़ के आपने कभी कोई परमानेंट एक नौकरी आपने सॉल्यूशन नहीं दिया, और जब आपकी चुनाव की प्रक्रिया आती है तब आप क्या करते हैं, तब आप लॉलीपॉप थमाते हैं, कभी 3,000 से 6,000, कभी टोला मित्र न्याय मित्र, कभी मैं नौकरी ला रहा हूँ, एग्जाम ले रहा हूँ, रिजल्ट चुनाव के बाद दूंगा, अभी वोट दे दो। ये जो इस्तेमाल करने की जो सरकार की प्रक्रिया रही, अब सरकार इस बात समझ ले, ये मील का पत्थर साबित होगा, अंतिम कील ठोका जाएगा, इनको पटना किया ने तो बर्बाद किया ही, इस बच्चे किया भी, शिक्षक किया भी, संविदा किया भी बर्बाद करेगा, या जब सभी जगह पूरे देश के इस NIOS संस्था की जो चाहे DEd है, अन्य जो भी एजुकेशन है, DEd है, वो सब प्रक्रिया को मान रही है, इसी बिहार में आप इस संस्था को दूसरे जगह मानने को तैयार है, फिर क्या कारण है कि आप 2 साल को 18 महीने की प्रक्रिया को गलत साबित करके 2.5 लाख बच्चे की जिंदगी को नासूर बना रहे हैं, क्यों आप मरने पर मजबूर कर रहे हैं, लगातार आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोर्ट में हम इन लोगों के साथ खड़े होंगे, कदम में कदम मिलाकर, जब तक इनका कोई डिसीजन नहीं होता है, मैं उम्मीद करता हूं न्यायालय से हमें न्याय मिलेगी, और इस सरकार की मनमानी और कोचिंग माफिया के द्वारा जो पैसा उलझा गया, पूरा का पूरा सरकार और मंत्री और पदाधिकारी के घर पहुंचाए गए, उसको नकाब, उसको कंप्लीट नंगा करने की जरूरत है। ये कोचिंग माफिया, ये कहते हैं अब BEd माफिया की सबसे बड़ी इसमें साजिश है, और ऐसे माफियाओं के खिलाफ बड़े सख्त लड़ाई की आवश्यकता है, और ऐसे माफियाओं के कारण ही सरकार बिहार के युवाओं के साथ हमेशा खेलवाड़ करती है। मैं सीधा आरोप है कि ये कोचिंग माफिया तय करता है कि किस कॉलेज, किस स्कूल, कहां पर एग्जामिनेशन होंगे और कितने पैसे में किसको पास किया जाएगा। बिना पैसे की अब इस बिहार में नौकरी मिडिल क्लास और गरीब की नहीं हो सकती है।